माय चैनल अली मरमान ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आज दिखाऊंगी कि मेरा हाउस अभी मतलब घर बना है, और तो मैं फिर ये दिखाऊंगी कि हाल पूरा मतलब कैसा हमारा घर है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये निकाले थे और ये गैलरी है, यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे पर्दे वगैरह पड़े हुए क्योंकि ये ड्राइंग रूम है, और यहाँ पे जीना है। देखिए कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए कि हमारा घर कैसा लगा। बताइए मैं भी देखिए इसमें एक गर्म में फिश थी, लेकिन ये हम देखिए गाइस मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए वॉच को देखिए, इसके अंदर लाइट लगाई है पापा ने रेड कलर की। गाइस देखिए ये मेरे बचपन की फ़ोटो है, ये मेरे बर्थडे की है, मेरा बर्थडे हुआ था तब, और ये भी कि मैं हूँ। ये देखिए यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, अरे ये बर्ड का डिज़ाइन मेरी पसंद से लगाया यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को। और ये बाथरूम है, देखिए अब मैं किचन, ये हमारा वॉश बेसिन है और टॉवल है, ये डाइनिंग टेबल है, मेरी पसंद की लगी है यहाँ पे, नीचे पर्दे लगे हुए हैं। दादी की तरफ जाने का रास्ता, ये है रूम, बेडरूम। देखिए गाइस अच्छा लग रहा है। ये देखिए डोर का डिजाइन अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और इधर मैं हूँ। हाय, और ये हमारा वार्डरूफ है, देखिए हमारी हमारी पसंद का सबने अपना हिस्सा बंटवारे कर लिया वार्डरूफ में। ये जो वार्डरूफ, ये वाली वार्डरूफ मेरी है पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मेरी है, और इसमें मतलब अभी हैंगर लगना रह गए हैं, वो आएंगे थोड़ा थोड़ा, अभी अभी बना है ना तो आ जाएगा। यहाँ पे कुरान शरीफ सिपारे वगैरह सब रखे हैं, और इधर से मेरी बुक रखी हैं, यहाँ पे सोहे लाइल का है, और चादर वगैरह, नीचे इन लोगों के खिलौने वगैरह रखे हुए हैं टॉयस। और ये वाली पूरी पापा की है, इसमें एक आध हैंगर है थोड़ा बहुत, नीचे इधर सबकी स्लीपर्स रखी हुई हैं, सैंडल शूज सब। यहाँ पे मम्मा का है, यहाँ पे पापा का है, और ये देखिए ट्राइपॉड भी रखा हुआ है हमारे पास। अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये सब पेंट जो है मेरे मामा ने करा है घर का, आप लोग करवाना चाहें तो उनसे करवा सकते हैं पेंट। और ये मेरा बचपन का टेडी बेयर देखो मैंने कितना संभाल के रखा है, तब भी इतना गंदा, बताऊँ किसने करा है, ये सोहेल आयल ने करा है, मेरा तो अभी तक बिल्कुल नया रखा है, ये बहुत छोटी थी तब का है, बहुत छोटी, एक साल की थी तो गिफ्ट में मिला था मेरी पहली बर्थडे पे। है हमारा, और यहाँ पे आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा आप बताएं ज़रूर मुझे कमेंट्स में गाइस। और ये मैं हूँ, देखिए मेरे चश्मा लग चुका है ये आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, तो मेरे व्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस यहाँ पे हमने पत्थर लगवाया है इधर, और यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, देखिए।
होती है। देखिए हमारे पापा को चश्मा लगा रहे। ये जॉन इब्राहिम। देखिए यहाँ पे जो कलर चेंज होते हैं नाइट बल्ब में, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। ये वाइट है, ब्लू, ग्रीन। मैं फ्लावर पॉट है और इसमें लाइट जलती हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, कोई सी भी। देखिए जल रही है, अच्छी लग रही। मेरे में हमारा इसमें 10 फिश थी। जब हम नानी के घर गए तो उनकी डेथ हो गई सारी फिश की। अब हम लेकर आएंगे, लेकिन तब लेकर आएंगे, अभी हम कहीं बाहर जाने वाले हैं, उसके बाद आएंगे तो लेकर आएंगे, नहीं तो फिर वो उनकी डेथ। देखिए जब मैं पैरामाउंट स्कूल में थी तो मैंने ये वाला फ्लावर पॉट बनाया था, इसमें थोड़ी पप्पो और मम्मा की भी हेल्प ली थी मैंने भी। और ये हमारे सोफा पड़ा है, और ये जो है ये फ्लो की कुशन है, ये मम्मा ने खुद ही हाथ से कढ़ाई की है। अच्छी लग रही है आप लोगों को। और ये मेरे बचपन का खिलौना। और इसमें थोड़ा रेड कलर है। गाइस देखिए मैं आपको मेज पर दिखाती हूँ, ये मेरी मम्मा ने बनाया है। ये है देखिए, पूरा ही मम्मा ने ये सब डिज़ाइन किया है, मम्मा ने पूरी कढ़ाई मम्मा ने करी है ये सब। क्योंकि अभी वार्डरूम का और मिरर ये सब थोड़ी चीज़ें आना रह गई हैं, ये आएंगी और फिर मैं दोबारा व्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए और ये बताइए मैं हमारा घर कैसा लगा। और गाइस यहाँ आपके हैंगर रह गए और हैंगर आएंगी, तो फिर अभी थोड़े से हैंगर भी रह गए हैं, मिरर रह गया, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो आएंगी अभी थोड़े दिनों में, तो फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी। और इस मचान के अंदर मेरा गिटार रखा हुआ है बड़ा सा। आप लोगों को हमारा हाउस कैसा लगा ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं जा रही हूँ, बाय।